अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सैयद शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग में अब तक हमने अपने जितने 15th लेक्चर थे प्रीवियस, अपने 13th लेक्चर थे हमारे, उसमें हमने टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। आज हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 है, अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टूडेंट्स जैसे वर्ड्स से जाहिर है, इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब है बराबरी। अकाउंटिंग इक्वेशन इज द सम ऑफ एसेट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन है सम ऑफ एसेट्स दैट मस्ट बी इक्वल टू इक्विटीज। स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन की वर्ड्स में जाएं, गौर से देखें, तीन चीज, दो पॉइंट्स हैं मेन। अकाउंटिंग इक्वेशन इस मसावात का नाम है जिसमें तमाम असासाजात, देखें, एसेट्स, तमाम असासाजात लाजमी तौर पे बराबर होंगे किसके, इक्विटीज के। स्टूडेंट्स, इक्विटीज कहते हैं मलकियत को। कारोबार के तमाम असासाजात, कारोबार के तमाम असासाजात एसेट्स लाजमी तौर पे बराबर किसके होंगे, इक्विटीज के। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमें जाहिर कर रही है कि कारोबार में ऑनर्स के जितने एसेट्स हैं, कैश, बैंक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उस पर इक्विटीज का हक है। इक्विटीज में दो लोग होते हैं स्टूडेंट्स, एक ऑनर खुद होता है और दूसरा लायबिलिटीज, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की डेफिनेशन को पढ़ा। स्टूडेंट्स, ये चार फार्मूलाज मैंने आपके सामने लिखे हैं, 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स, ये चारों फार्मूलाज सेम हैं। एसेट्स बराबर होंगे किसके, इक्विटीज के। स्टूडेंट्स, कारोबार के तमाम एसेट्स पर इक्विटीज का हक है। स्टूडेंट्स, इक्विटीज का मतलब है दो इक्विटी हैं आपके पास, वन इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल इक्विटी एंड एक्सटर्नल इक्विटी, आपके अंदर के लोगों के राइट्स और जो बाहर के लोग हैं उनके राइट्स, किस पर, एसेट्स पर। फिर सुन लें स्टूडेंट्स, कारोबार के तमाम असासाजात पर दो लोगों का हक है, दो लोग उस पर अपना हक रखते हैं कानूनी तौर पर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि इंटरनल इक्विटी को किस नाम से, इंटरनल इक्विटी कहलाती है ऑनर्स इक्विटी, मतलब मालिक का सारा पैसा जितना वो कारोबार में लेकर आया है और वो असासाजात पर हक रखता है वो उसकी इक्विटी। सेकंड, लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लायबिलिटीज को हम पढ़ चुके हैं, वो तमाम पैसा जो कारोबार के मालिक ने देना है वो लायबिलिटीज। अब हमें पता लग गया स्टूडेंट्स, इक्विटीज की दो टाइप्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल को किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ऑनर्स की इक्विटी के नाम से, एक्सटर्नल को लायबिलिटीज। ऑनर इक्विटी को किस नाम से, कैपिटल, और लायबिलिटीज को किससे, अकाउंट पेबल। तो स्टूडेंट्स, हमें पता लग गया कि कारोबार के तमाम एसेट्स इक्विटीज के बराबर हैं और इक्विटीज की दो टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स, इफ द टोटल एसेट्स ₹70,000 एंड द टोटल लाइबिलिटीज ₹20,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑनर इक्विटी। स्टूडेंट्स, सवाल आपके सामने है, अगर कारोबार के टोटल एसेट्स 70,000 है और कारोबार का उधार 20,000 है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ऑनर इक्विटी, तो मालिक का सरमाया कितना होगा। इसको अब इक्वेशन में लिखेंगे, एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स, स्टूडेंट्स ऊपर सवाल में लिखा हुआ है, एसेट्स हमारे हैं 70,000, ऑनर इक्विटी की जगह क्वेश्चन मार्क, लायबिलिटीज की जगह 20,000। स्टूडेंट्स, अब देखिए सवाल में हमने पूछा कि अगर कारोबार में
आपके असासा जात हैं 70,000 और उधार कितना है 20,000, तो मालिक का अपना सरमाया कितना होगा। स्टूडेंट 70,000 के एसेट्स हैं, उन एसेट्स में उधार कितना है 20,000। अगर 70,000 में से हम 20,000 को माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स मालिक का सरमाया कितना आ जाएगा 50,000। तो स्टूडेंट्स ये थी इक्वेशन हमारे पास कि एसेट्स मस्ट इक्वल टू इक्विटीज़, इक्विटीज़ हैव टू टाइप्स ऑनर एंड लाइबिलिटी। नेक्स्ट, उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, इंशाल्लाह हम इसका नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं। थैंक यू।